हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रेक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन द रीडिंग सेक्शन इन इंग्लिश पेपर इन क्लास 12th टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी 3 सेक्शंस, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं What should be the strategy to score full marks in the reading section? So, सबसे पहले, it is very important for you to know the pattern of English question paper. तो जो pattern होगा, वो इस प्रकार से होगा कि question will be paper will be of 40 marks. In that question paper, there will be total 60 questions. आपको उन 60 में से 50 questions solve करने होंगे, and the time will be 1.5 hours. तो पेपर विल बी डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। तो हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन होगा दैट विल बी द रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको 2 अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा उसकी लेंथ होगी अराउंड 300 to 500 words, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आउट ऑफ 10 यू हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चंस। Another unseen passage will be also there. This unseen passage will be comparatively difficult. जिसमें a graphical study can be there, a tabular study can be there, a pie chart can be there, a comparative study can be given. और उसमें total 8 में से आपको 6 questions solve करने होंगे। तो आइए देखते हैं which strategy we have to follow to score full 40 marks in section A, that is reading comprehension. तो उसमें जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी वुड बी टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ द पेपर। अगर आप पैटर्न जानते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू स्टडी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन द अनसीन पैसेज। सेकेंड स्ट्रेटेजी वुड बी शार्पन योर रीडिंग स्किल्स। नाउ Sharpen your reading skills. Now it means that your reading speed should be fast. अगर आप unseen passage को अच्छे से समझ जाएंगे तो it will be easy for you to answer the questions also. तो इसके लिए very important है कि there should be perfect concentration. If you will concentrate on individual word and read, then it will be very easy for you to understand it. उसके बाद कई बार क्या होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं अनसीन पैसेज में एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। तो फिर हमें क्या करना चाहिए इन दैट सिचुएशन? अगर आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में उस मीनिंग को गेस करने की कोशिश करिए। तो अगर आप इस तरह से गेस करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट मीनिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस डिलीजेंटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड रेगुलरली यू शुड प्रैक्टिस। देन रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो इफ फर्स्ट रीडिंग शुड बी डन वेरी फास्ट ऑफ द अनसीन पैसेज, आफ्टर दैट यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। देन सेकेंड रीडिंग शुड बी डन, इन द सेकेंड रीडिंग यू शुड मार्क द आंसर wherever you feel that answer is given, then you should be able to find the correct answer. अब 4 options दिए हुए हैं, MCQ type questions हैं, 4 options दिए हुए हैं। Normally 2 options are wrong and 2 options are very nearly correct in most of the question paper. तो ऐसे में क्या करना है, हमको जो 2 सबसे wrong answer है सबसे पहले उसको eliminate करना है, उसको अलग हटाना है। फिर जो 2 answers दिए हैं जो आपको लग रहा है कि can be the possible answers, तो वो 60-40 के रेशियो में होंगे। 60% एक करेक्ट होगा, 40% करेक्ट होगा। फिर कंसंट्रेशन के साथ एक बार और क्वेश्चन को आप क्लियरली अंडरस्टैंड करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और फिर अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट। तो उसके लिए एक परफेक्ट माइंड सेटअप होना चाहिए कि यू शुड बी वेरी काम, स्ट्रेस फ्री, एंड देन यू शुड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट गिवन क्वेश्चन ओनली। Then you will be able to find that 60% that answer which is 60% correct, means the most correct answer, the best answer out of that, means the correct answer you will be able to find out. So
दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग सेक्शन. फॉलो दीज स्टेप्स, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन द रीडिंग सेक्शन. एंड यू कैन गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सी अनसीन पैसेजेस फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो. सब्सक्राइब स्टडी ट्रैक फॉर अदर वीडियोज ऑन राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन.